योर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल वी के एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज मैं कराऊंगा क्लास 10 का चैप्टर 1 का बेसिक चीज़ें। देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लीमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, मैं समझाऊंगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है? अगर आपको इफ यू हैव गिवन, इफ यू हैव गिवन ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर यूनिक इंटीजर सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट और इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर क्या है? रिमाइंडर है। क्यू क्या? कोशेंट है। ठीक है, और बी क्या है? डिविजर है। और ए क्या? ये डिविडेंड है। ठीक है, तो ये है डिवीजन लीमा। ठीक है, डिवीजन लीमा क्या है कि अगर ए और बी यानी दो नंबर आपको, दो पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और एक नंबर उसमें दूसरे नंबर से बड़ा है, ठीक है, तो वहां पर दो यूनिक इंटीजर्स भी होंगे क्यू और आर। ठीक है, वो इस रिलेशन को या इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगे जहां पर आर की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से ज्यादा होगी और आर बी से कम होगा। दैट इज कॉल्ड डिवीजन लीमा। ठीक है, अब देखिए यहां पर डिफरेंस हम क्या है यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या चीज है? ये लीमा एल्गोरिथम क्या है? देखिए एल्गोरिथम है, इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच प्रोवाइड्स ए प्रोसीजर और मेथड टू सोल्व ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इट वर्क्स ऑन, इट वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये लेमा के बेसिस पर काम करता है एंड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू लार्ज नंबर्स। अब देखिए लीमा क्या है? ठीक है, इट इज ए प्रोवन स्टेटमेंट, इट इज ए प्रोवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड
इज यूज्ड टू प्रूव और प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये एक क्या है, एक मतलब सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। और जो एल्गोरिथम है ये एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जो एक प्रोसीजर या मेथड प्रोवाइड करती है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और एल्गोरिथम जो है वो डिवीजन लीमा के बेस पर काम करता है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज करते हुए हमको फाइंड आउट करना है सीएफ। ये दो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ये है एक नंबर ये है। तो देखिए इसमें से सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बड़ा नंबर कौन है और उसमें क्या कर देंगे। देखिए ये इज ग्रेटर देन ये, तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम दोनों नंबर पे यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, ये जो स्टेप्स होंगे दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम डिवीजन, जो क्या कहलाएंगे ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और जो ये स्टेटमेंट होगा दैट इज यूक्लिड डिवीजन लीमा। देखिए यहाँ पर हमने लीमा लगा दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्री टाइम्स चला गया, इसको डिवाइड जब हमने किया इससे तो रिमाइंडर कितना बच गया, 420। अब देखिए इस रिमाइंडर पे और इस डिविजर पे फिर हमने अब रीअप्लाई कर दिया क्या, डिवीजन लेमा को। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर रिमाइंडर बचा ये और डिविजर ये, इन दोनों पे फिर हमने अप्लाई कर दिया डिवीजन लेमा। फिर अगेन एंड अगेन ये तब तक हम डिवीजन लेमा को अप्लाई करते रहे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। जब हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उस स्टेज में जो आपका लास्ट डिवीजर होगा, जैसे ये लास्ट डिवीजर फोर है, दैट इज कॉल्ड एस सी एफ ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, थैंक यू। तो ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली किन्हीं भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थैंक यू।